गाइस, वेलकम टू पीसीएस। और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, वो भी कैसे? डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे। कैसे? डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए देख लेते हैं किस तरह का डायग्राम हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का आपको डायग्राम दिखेगा। मैंने सारे अपने नोट्स को एक जगह एकत्रित करके डायग्राम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है, और लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके नहीं छूटेंगे। लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट रहे थे उसे भी मैंने करवा दिया। देखिए डायग्राम इस कुछ इस तरह का है, और आपको मजा आएगा डायग्राम देखकर और पढ़कर। आप भी इससे अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये लॉन्ग नोट्स ही हैं। लेकिन इसको मैंने बहुत ही कम शब्दों में और डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए एक बार विश्लेषण के साथ देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना। पहले पढ़ना है हम लोग को राष्ट्रपति से जुड़े सभी अनुच्छेद। तो पहले हम लोग सारा अनुच्छेद पढ़ लेंगे, कौन कौन सा राष्ट्रपति से अनुच्छेद जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा भी बाद में पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी वीडियो में पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद हेतु योग्यताएं और उसकी अर्हताएं क्या होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया कैसे होती है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता रिक्त कैसे होता है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, और शक्तियों और राष्ट्रपति की शक्ति और महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आकस्मिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और अन्य शक्तियां पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का से स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले देख लेते हैं कि होते क्या हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, देश के प्रथम नागरिक। देश के प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है। सबसे ऊंचा पद कौन सा है, सर्वोच्च पद, वो है राष्ट्रपति का, सर्वोच्च पद इनका, ठीक है, सर्वोच्च पद होता है। दूसरा देख लेते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति जी का कहाँ पर उल्लेख है ना, मतलब राष्ट्रपति जो है उनका कहाँ पर उल्लेख है, कितना से कितना अनुच्छेद में। तो संविधान में अनुच्छेद अगर देखेंगे तो संविधान में अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 52 से 62 तक में राष्ट्रपति जी का उल्लेख है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से उल्लेख दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 52, आर्टिकल 52, ठीक है, यानी अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52, ठीक है। तो यानी हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 52 में, ठीक है। अब देख लेते हैं 53। तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी, ये कहा गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 54 आर्टिकल में, ठीक है, 54 अनुच्छेद में देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, मंडल म है, मंडल द्वारा होगा, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, कौन करवाएगा, तो चुनाव आयोग ही करवाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 55 आर्टिकल में क्या है, अनुच्छेद 55 में क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब विधि, कैसे होगा निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन की रीति मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सारा डील होगा कि किस तरह से करना है, डील करते जाएंगे। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए, डायग्राम मेथड में है, बहुत अच्छा से समझाएंगे, एक बार में सब याद हो जाएगा, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट में हम लोग नहीं घुसे, कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो बहुत मजा आएगा। सिर्फ 62 तक ही अनुच्छेद है, उसके बाद कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम लोग। तो आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति का पदावधि, ठीक है, राष्ट्रपति के पदावधि, राष्ट्रपति का पदावधि मतलब कि कितने साल तक रहेंगे, ठीक है, अपने पद ग्रहण करने से कितने साल तक वह रहेंगे, मुख्य रूप से 5 साल तक रहते हैं, ठीक है, यही प्रावधान है। और देख लेते हैं 57 आर्टिकल में, 57 आर्टिकल, आर्टिकल 57 में इसमें क्या है, इसमें कहता है राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए
किसी व्यक्ति के किसी पुनः निर्वाचन की पात्रता, मतलब कि पुनः बता रहा हूं निर्वाचन की पात्रता। इसमें क्या है कि जो दोबारा से जब निर्वाचन होगा तो उसके लिए क्या पात्रताएं होंगी, क्या अर्हताएं होंगी, ये इसमें कहने का मतलब है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 58 में क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, इसमें क्या है। तो अगर ये दोनों में क्या है कि कुल मिलाकर अगर किसी तरह से किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें कौन कौन से इस्तीफा दे देते हैं या फिर अपना पद त्याग कर देते हैं तो फिर कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन कैसे चुनाव होगा, ये चीज है और उसकी पात्रताएं क्या होंगी उसके लिए ये वर्णन किया है। चलिए आर्टिकल 59 में देखते हैं कि क्या कहा है। ठीक है, 59 पद के लिए कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। शर्त कि अगर आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो क्या क्या शर्त होना चाहिए, आप दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही सब है, आप 35 साल से अधिक होने चाहिए उम्र में, है ना, ये सब है। आगे हम लोग इसके बारे में सारे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या है ना, आर्टिकल 60 में क्या है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आर्टिकल 61। ठीक है, इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कभी कभी तो पीएससी में भी पूछ लेता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की प्रक्रिया, है ना। ठीक है, एक आर्टिकल बचा 62, कौन सा आर्टिकल बचता है 62, है ना, उसे भी हम लोग देख लेते हैं 62। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति अभी ही बोरिंग लग रहा है, बस ये अनुच्छेद तक देख लीजिए, उसके बाद मजेदार हो जाएगा, देखते रहिए बस आप लोग। राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, भरने के लिए चुनाव कराने का समय, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा देना चाहिए, और क्या सही उचित समय रहेगा कि कब चुनाव कराया जाए, मुख्य रूप से 6 महीने के भीतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब यहां से अब आएगा मजा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, तो उसमें निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, और निर्वाचन की विधि होती है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, तो निर्वाचन मंडल में देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले निर्वाचन मंडल में देख लेते हैं, है ना, निर्वाचन मंडल में देखते हैं तो इसमें क्या होगा, संसद के दोनों कौन कौन भाग लेंगे, है ना, इसमें कौन कौन भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य है जो निर्वाचन मंडल का भाग बने। ठीक है, और देखिए दूसरा कौन कौन चुनाव में भाग ले सकता है, तो वो कौन लेगा, राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी नहीं, सिर्फ दिल्ली पुडुचेरी
जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भाग लिए। केंद्र शासित राज्यों की के विधानसभा सदस्य, लेकिन कौन सदस्य? सभी जो निर्वाचित होंगे, सभी सदस्य निर्वाचित होंगे वो सदस्य भाग लेंगे, है ना। सारे निर्वाचित सदस्य होंगे, सारे सदस्य निर्वाचित होंगे मतलब किसी को मनोनयन ना किया हो वैसे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन की विधि क्या होती है, ठीक है। तो क्या होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इससे है सो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विधि है इसी विधि से होगा, ठीक है। एक है इसी के साथ है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। इस विधि का प्रयोग होगा और उस विधि में क्या होगा? गुप्त रूप से मतदान होगा। तो क्या होगा? गुप्त मतदान, गुप्त मतदान, ठीक है। गुप्त मतदान के प्रयोग से राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि को पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताएं या अर्हताएं, ठीक है। तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता, मतलब कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई अगर एमपी नहीं बन सकता है, एमपी जितना योग्यता नहीं रख सकता है, तो उसको राष्ट्रपति के लिए नामित नहीं कर सकते हैं, ये उनकी योग्यता है। तो जब तक कि राष्ट्रपति के अगर पद में अगर आपको जाना है, राष्ट्रपति बनना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको एमपी बनने का योग्यता रखना होगा, तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। यानी कि आपके पास जो पीपुल सपोर्ट है वो होनी चाहिए, या एक दो बार आप एमपी बने होंगे, या फिर नहीं भी बने होंगे तो उतना सपोर्ट होगा कि आप बन सकते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। एक और है राज्य केंद्र स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, ठीक है, या स्थानीय सरकार, या स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना होना, के पद पर ना होना, क्या ना होना, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के किसी जॉब में है, तो आपको राष्ट्रपति का योग्य, राष्ट्रपति के पद के लिए आप योग्य नहीं है, आपको उसको पहले त्याग देना होगा, उसके बाद आप ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे, ठीक है, नहीं राष्ट्रपति बन सकेंगे, है ना। तो अगर आप किसी पोजिशन पर है, सरकारी पोजिशन पर है, अगर आप पहले से एसपी डीएसपी है, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है, उसको उसका पद ऐसा त्यागना पड़ेगा। एक और क्या हो जाएगा? एक और हो जाएगा कि दिवालिया ना हो, पागल नहीं हो, ठीक है। इस तरह की जो बातें होंगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया, ठीक है। तो कैसा प्रक्रिया होता है ये देखेंगे हम लोग। उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों, और अनुमोदकों अनुमोदकों की संख्या, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि नामांकन का प्रक्रिया कैसे हम नामांकन लेंगे, ठीक है। तो उसमें कम से कम 50 है सो सदस्य होना चाहिए जो कि सांसद या विधायक हो, तभी आप राष्ट्रपति के लिए उठ सकते हैं, नामांकन उसका कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास 50 एमपी या एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं,
नामांकन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन से होंगे, ये निर्वाचक होंगे, मतलब निर्वाचित एमएलए एमपी होंगे, मतलब जो सत्ता में होंगे वो होना चाहिए, ठीक है। तो 50 एमएलए एमपी का आपके पास सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो आप नामांकन भी अपना नहीं करवा पाएंगे राष्ट्रपति के पद के लिए, है ना, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें है जमानत की जमानत राशि। तो जमानत राशि आपको कितना देना होगा, 15,000 रुपए। कितना देना होगा, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, ठीक है। तो आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको उसके लिए जब फॉर्म भरने जाएंगे, नामांकन की प्रक्रिया होगी, तो आपको 15,000 रुपए जमा करवाना होगा नामांकन प्रोसेस में या फिर जो भी चार्ज होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये क्या है, जमानत की राशि जब्ती। जमानत की राशि जब्ती कब हो जाएगी, जब 1/6 भाग कम से कम बहुमत प्राप्त होगा। देखिए जैसे कि हम बता देते हैं, कुल कुल डाले गए मतों के, कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो, 1/6 भाग से कम मत ठीक है। तो 1/6 मत से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। 1/6 बहुमत, मतलब कि कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप हैं राष्ट्रपति का चुनाव नामांकन की प्रक्रिया में गए हैं और चुनाव लड़ लिए, तो आपको 6 लोगों से कम एक लोग आपको वोट देने चाहिए। अगर एक भी लोग अगर 6 में से आपको वोट नहीं देंगे तो आपका जमानत की राशि है सो जब्त हो जाएगा, मतलब कि वो 15,000 वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्तता, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता किन कारणों से होती है, तो सबसे पहले तो क्या है, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, त्याग पत्र देने पर ऐसो राष्ट्रपति पद की रिक्तता हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, क्या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर उसका राष्ट्रपति का सीट खाली हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, ठीक है। ये हो गए कुल 3 कारण, और एक और कारण है, चौथा कारण है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। जब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, अवैध घोषित होने पर, जब क्या करे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, जब सुप्रीम कोर्ट है सो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि नहीं ये चुनाव जो हुआ है ये अवैध रूप से या अवैध तरीके से या गलत तरीके से हुआ है, और उसको रद्द कर देता है, जब सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है चुनाव को ही, तब जाके राष्ट्रपति का जो है पद है सो हट जाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है। तो इसमें क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान 61 में है, ठीक है, कि प्रस्ताव कैसे लाया जाए महाभियोग पर। तो ई आर्टिकल किस में आता है, 61 में आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस पर आता है, आर्टिकल 61 पर आता है, अनुच्छेद 60। ठीक है, अब देखिए कि इसमें ये है इसका प्रस्ताव में। दूसरा देख लेते हैं कि क्या कारण होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जब उल्लंघन होता है किसका, संविधान का, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जब संविधान का उल्लंघन हो, जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होगा तो फिर ये कारण होता है उनको महाभियोग प्रस्ताव लाने का, ठीक है। तो ये जो उल्लंघन है, ये उल्लंघन के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो देश द्रोही होना,
ये भी संविधान के खिलाफ ही है, उसका एक रीजन है, ठीक है। तो देशद्रोही कोई हो जाए या फिर किसी तरह का देश के प्रति अपमानजनक कार्य कर दे, तो फिर उस पर यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो सबसे पहले कारण उसको बताया जाएगा, तो फिर उसके पहले नोटिस दिया जाएगा, कब, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, उसके प्रस्ताव लाने से, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले ही 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस दिया जाएगा कि आपको, आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है ना। अब देखिए नोटिस पर हस्ताक्षर कौन कौन करेगा, ठीक है। देखिए तो जिस सदन में, यानी कि जैसे मान लीजिए ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा से लाया जाए या हाई या फिर लोकसभा से लाया जाए, ठीक है। राज्यसभा, राज्यसभा से लाया जाए या लोकसभा से लाया जाए, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी एक सदन में प्रस्तुत होता है इन दोनों में से, तो कम से कम एक एक चौथाई सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इस नोटिस पर, जो नोटिस जाएगा 14 दिन पहले, उस पर एक चौथाई, ठीक है, सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी एमपी का, ठीक है। एक चौथाई मतलब कि 4 में से 1 लोग उस पर साइन करेंगे, तभी ये नोटिस भेजा जा सकता है, ठीक है। और किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे ये राज्यसभा सदन हो या लोकसभा सदन, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत होगा, ठीक है। तो ये प्रस्तुत कहाँ हो जाएगा, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में ही प्रस्तुत हो जाएगा, चाहे लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, ठीक है। अब देखिए ये पारित का नियम कैसे होता है इसमें, महाभियोग में। अब बोलता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से, के कम से कम 2/3 बहुमत से, ठीक है। तो देखिए अब क्या है इसमें, स्टार्टिंग से समझाता हूँ। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रस्ताव है वो कैसे आएगा या कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले संवैधानिक उसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो आर्टिकल 61 का प्रयोग करके महाभियोग लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो इसको भी हटाने का पूरा प्रोसेस है, तो कोई कारण रहेगा तभी तो हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करेगा, किसी तरह का देश से गद्दारी होगा, तो जाके उस पर राष्ट्रपति का, इस कारण से, किसी बहुत बड़े कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कारण पता चल गया तो अब उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कब दिया जाएगा, कम से कम 14 दिन पहले दिया जाएगा। नोटिस कब दिया जाएगा, 14 दिन पहले दिया जाएगा, ठीक है। और जब नोटिस 14 दिन पहले दिया जाएगा तो उसमें कुछ लोग हस्ताक्षर भी करेंगे, नोटिस में कौन लिखेगा, तो राज्यसभा या लोकसभा या फिर कोई भी सदन में, जो भी सदन का प्रस्तुत हो, ठीक है, तो जो भी सदन में जो देना है तो उसमें से 1/4 लोगों का सहमति होना चाहिए, ठीक है। संसद सदस्य का 1/4 लोगों का सहमति होना चाहिए, मतलब कि 4 लोग में 1 लोग का सहमति होना चाहिए कि हाँ इन पर महाभियोग लगाया जाए, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत कहाँ होगा, कि जरूरी नहीं है कि प्रस्तुत हो राज्यसभा में ही या लोकसभा में, तो किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है या राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पारित कैसे होता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब भी ये होगा तो कम से कम 3 लोगों में 2 लोग जब तक नहीं बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, वोट नहीं करेंगे हाँ में 2 लोग, तब तक ऐसा पारित ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2/3 क्या हो गया, विशेष बहुमत, 2/3 क्या हो गया, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत, बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत से, ठीक है, यानी 2/3 से, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, तो 2/3 से क्या बोलता है, कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि एक सदन से अगर एक एक सदन में अगर तीन अगर एक सदन में 3 में से 2 लोग वोट दे रहे हैं और एक सदन में 3 में से 1 ही लोग वोट दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। पहले सदन से भी होना चाहिए,
3 में पहल प्रथम सदन से भी होना चाहिए, प्रथम सदन, ठीक है, रुकिए इसको दिखाते हैं यहाँ पे, प्रथम सदन, ठीक है, प्रथम सदन या पहला सदन, प्रथम सदन से भी 2/3 लोग, ठीक है, मतलब 2/3 होना चाहिए। कहने का इसका तात्पर्य है कि तीन लोग में से दो लोग हाँ कहें, ठीक है, और द्वितीय सदन से भी, ठीक है, द्वितीय सदन से भी क्या है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, जिसमें भी तीन लोग में से दो लोग हाँ कहें, ठीक है, तब जाके मान्य होगा और महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। कुल मिलाकर ऐसे ही होता है, लेकिन जरूरी एक ये नहीं है कि अगर ये सदन मिला दिया जाए और दोनों का 2/3 किया जाए, चाहे तो, क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा है, ठीक है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य है, 543 सदस्य हैं, तो लोकसभा में ज्यादा है तो ये कहेंगे कि हमारे हमारे आपके लोकसभा और राज्यसभा के वोट से मिला दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों सदन से 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत होना ही अनिवार्य है, ठीक है, तभी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां तो क्या हो, ठीक है, तो एक है कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की क्या, कार्यकारी शक्ति, इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वही आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जितना भी संघ का कार्यपालिका शक्ति है, संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, मतलब कि जितना भी शक्तियां हैं वो सारी इसमें निहित होंगी, तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है, दूसरा क्या है कार्यकारी शक्ति में, कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम, ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जितना भी काम होता है, भारत सरकार द्वारा जितना भी कृत्य होता है, काम होता है, ठीक है, जितना भी काम होगा, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम, कार्यपालिका वाला जो काम होता है, जितना भी, तो जितना भी होगा सारा के सारा किसके से होगा, तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। यानी कि क्या कहने का इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ठीक है, ये किसमें, ये ही, ठीक है, और ये आर्टिकल किसमें कहता है, तो ये अनुच्छेद 77 में कहता है, ये अनुच्छेद किसमें है, ये बात किसमें कहा गया, अनुच्छेद 77 में, ठीक है। एक और है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उनका प्रशासन करना, राष्ट्रपति जी है जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करती या करते हैं, अनुसूचित, ये पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और प्रशासन करना, ये क्या हो गई, ये कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति जी की हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां में क्या है कि संसद सत्र का आहूत, ठीक है, लिख देते हैं, संसद सत्र का आहूत, सत्रावसान और विघटन, और विघटन, ठीक है, तो ये जो है संसद सत्र द्वारा आहूत कराएगा, ठीक है, सत्रावसान और विघटन करने का शक्ति जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में पूछता है पीसीएस में खास करके, कौन सी विधायी शक्तियां हैं, कौन सी कार्यकारी शक्ति है, कौन न्यायिक शक्ति है, कौन आकस्मिक शक्ति है, ठीक है, ये किसमें आता है, तो ये किसमें आएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 85 में आएगा, 85 में, किसमें, अनुच्छेद 85 में, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या शक्ति है, तो संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, मतलब कि संसद में राष्ट्रपति जी अपना भाषण दे सकती हैं, ठीक है, विशेष रूप से अपना भाषण दे सकती हैं, और ये किसमें कहा गया है, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल
किसमें कहा गया है? तो ये 87 में कहा गया है, ठीक है, 87 में। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 87 में कहा गया, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें क्या है? विधायी शक्ति में, विधायी शक्ति में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करना, ठीक है, मतलब कि दोनों सदन को एक साथ बुलाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये किसमें बुलाएगा? तो 108 के आर्टिकल 108 के माध्यम से बुलाएगा, ठीक है, दोनों संसद को बुलाने का है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे, तो उसको कौन कौन करेगा, बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाता है, अब तक 3 बार हो चुका है, अब तक 3 बार ऐसा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है, ठीक है। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की 3 बार हो चुकी है, एक बार दहेज विरोधी मामला था, एक बार दहेज विरोधी मामला था, एक बार बैंकिंग से कुछ जुड़ा था, और एक बार पोटा से कुछ जुड़ा हुआ मामला था, तब 3 बार दोनों सदनों की बैठक हुई थी, ठीक है। और दोनों सदनों की जब बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता कौन करेगा, है ना, तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसमें कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा स्पीकर कौन? लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, विधायी शक्ति में। तो विधेयक एक है, विधेयकों पर अनुमति, क्या? विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, ये भी इनके पास शक्ति है। ये आर्टिकल कितना में आता है? 111 अनुच्छेद में आता है, किसमें? 111 अनुच्छेद में, ठीक है। ये जो भी है, जैसे कि किसी भी तरह का विधेयक पास हुआ, जैसे कि आपका किसी भी तरह का विधेयक पास हो रहा है, तो उसमें 111 अनुच्छेद के तहत है, सो अनुमति देंगी, अपना हामी भरेंगी, ठीक है। एक है अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, ये भी राष्ट्रपति का शक्ति है और आर्टिकल, विधायी शक्ति है, और आर्टिकल कितना कहा गया है? आर्टिकल ये 123 में कहा गया है, किसमें? आर्टिकल 123 में, ठीक है। ये विधायी गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, विधायी ऐसे हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायिक शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति जी का न्यायिक शक्ति क्या है? एक है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीशों की और न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा देखते हैं, एक है क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ये आर्टिकल कितना में है? तो ये आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में, ठीक है, अनुच्छेद 72 में है, क्या? क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। एक है उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, न्यायिक शक्ति में क्या है? उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेना, ठीक है। ये कितना में सलाह लेगा? तो अनुच्छेद 143 में, ये 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति जी की आकस्मिक शक्ति, ठीक है। आकस्मिक शक्ति यानी कि आपातकाल जैसी उद्घोषणा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा, ये किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो ये 352 अनुच्छेद के तहत होगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत होगा, ठीक है। अब है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये कब लगाया जाएगा? तो जब राज्य का तंत्र विफल हो जाएगा, यानी कि कोई भी
बहुमत, कोई भी सीएम बहुमत से अपना बहुमत नहीं दर्शा पाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये आकस्मिक रूप से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, ये कितना अनुच्छेद के तहत, तो 356 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पंजाब में लगा था, और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है 352 के तहत राष्ट्रपति कब कर सकते हैं, तो वो कब होता है, तो जब युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी घटनाएं होती है, या देश में अशांति और उग्र रूप धारण हो जाता है देश में, और हिंसाएं बढ़ने लगती हैं, उस स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये अनुच्छेद कितना है, तो ये अनुच्छेद 360 के तहत, कितना, 360 के तहत ये लगाया जाता है, लेकिन भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। ये चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां के बारे में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होगी, मतलब कि अगर कोई धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक है, ठीक है, अगर कोई धन विधेयक है, ठीक है, और राष्ट्रपति और राष्ट्र धन विधेयक है, तो सबसे पहले धन विधेयक लाने के लिए हमको क्या करना होगा, राष्ट्रपति जी से साइन करवाना होगा। ठीक है, सबसे शुरू में क्या होगा, राष्ट्रपति जी से पूर्वानुमति लेना होगा, क्या, पूर्वानुमति यानी कि अनुमति लेना होगा धन विधेयक पेश करने से पहले। और धन विधेयक कहाँ पेश होता है, तो हमेशा लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है, तो हमेशा लोकसभा में पेश होता है। और धन विधेयक पेश करने के लिए सबसे पहले अनुमति लेना होगा किससे, राष्ट्रपति जी से हमें अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को भी हाँ करना होगा, नहीं तो अपने आप स्वतः है सो वहां से वो धन विधेयक पास हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो पहले क्या होता है, धन विधेयक के लिए अनुमति लेना पड़ता है लाने के लिए। तो ये है अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब है वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाना, क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाना। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाना ये क्या है, बहुत लंबा वर्ड बोल रहे हैं ऐसा लग रहा होगा, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, बजट। ठीक है, तो बजट पेश करवाना है इनका। ठीक है, ये है इनकी वित्तीय शक्ति है, बजट पेश करवाना। ये कितना आर्टिकल के तहत आता है, तो 112 अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, 112 अनुच्छेद के तहत ये आता है बजट पेश करवाना। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पूरे संविधान में बजट का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, उसके बदले क्या किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, ये भी जो है कितना है, ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में से एक है, और ये अनुच्छेद कितना, 280 में आता है, अनुच्छेद 280 में आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, आगे है कुछ क्या है, देखते हैं, एक है अन्य शक्तियां, अब आता है अन्य शक्तियां। ठीक है, अब अन्य शक्तियां में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आता है ना। तो अन्य शक्तियां में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक होता है क्षमा, क्या होता है, क्षमा। ठीक है, ये क्या होता है, क्षमा, ये क्या होता है, तो ये दंड से पूर्णता मुक्त हो जाता है, दंड से पूर्णता मुक्त। अगर कोई व्यक्ति और उसको फांसी की सजा हो गई है, तो राष्ट्रपति जी चाहें तो वो उसका फांसी को पूरी जीरो तरह से खत्म करवा सकती हैं और वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। ये है राष्ट्रपति जी की शक्तियां। ठीक है, इसमें एक और है, एक है प्रविलंबन, क्या, प्रविलंबन, प्रविलंबन, एक है प्रविलंबन। ठीक है, इसमें क्या है कि विशेष दंड में, ठीक है,
विशेष दंड पर अस्थाई रोक लगाना, ठीक है। विशेष दंड अस्थाई रोक, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई रोक। ये क्या है? तो मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड का सजा मिला है, ठीक है, और किसी को फांसी होने वाली मृत्यु दंड का सजा मिला है, तो वो क्या होगा? तो प्रविलंबन अगर राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियां का यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि वो टाल दिया जाएगा, ठीक है, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दिया जाएगा, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। या किसी को आजीवन कारावास की सजा मिली है और राष्ट्रपति जी कह दें कि प्रविलंबन है, ठीक है, अपना शक्ति प्रविलंबन का मैं यूज कर रही हूँ, मतलब कि कुछ समय के लिए उसमें रोक लगा दिया जाएगा और फिर सोच विचार कर फिर दोबारा क्या करना है उसके बारे में सरकार और राष्ट्रपति जी और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट रहेगा वो तय करेगा कि क्या करना है, ठीक है। एक है विराम, क्या है विराम, चलिए पहले इधर देख लेते हैं। एक है लघुकरण, क्या लघुकरण, लघुकरण, ठीक है। इसमें क्या है कि दंड का स्वरूप जो है बदला जाएगा, क्या दंड का स्वरूप बदला जाएगा, कम किया जाएगा, कम किया जाएगा या बदला जाएगा, या बदला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा लघुकरण, इसमें क्या है, अगर किसी को फांसी मिली है, ठीक है, या उम्र कैद मिला है, अगर किसी को फांसी मिली है या मृत्यु दंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास मिल जाएगा, ठीक है, और अगर किसी को 7 साल की सजा मिली है तो दंड को 3 साल के कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये लघुकरण का शक्ति भी किसे मिला है, राष्ट्रपति जी को मिला है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, अब है एक है विराम, क्या है विराम, विराम, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, सजा में, सजा को विशेष परिस्थिति में कम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम चीज है लेकिन जैसे इसमें दंड का स्वरूप बदल जा रहा है उसमें नहीं बदलता है, ठीक है, जैसे विराम है, ठीक है, तो इसमें सजा जो है, सजा जो है विशेष रूप से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि फांसी था, लघुकरण में क्या था, फांसी, तो उसको क्या मिल गया, उम्र कैद, तो इसका क्या हो गया, स्वरूप चेंज हो गया, ठीक है। किसी को था मान लीजिए 1 साल की सजा और उसको बोला कि आप 2 लाख रुपए जुर्माना देकर 1 साल की सजा से बच सकते हैं, ठीक, तो वो क्या हो गया, स्वरूप चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सजा का विशेष परिस्थिति में कम करना, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को 10 साल की सजा है, 14 साल की सजा है तो 7 साल कर देना, ये चीज इसमें है, ठीक है। या किसी को 10 लाख का जुर्माना है तो उसको सजा को कितना कम कर देना, 5 लाख कर देना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं एक और शक्ति है, एक है परिहार, परिहार, ये क्या है, तो दंड की अवधि को कम करना, दंड की अवधि को कम करना, दंड की अवधि भी इसमें कम हो जाएगा, जैसे कि वही है, अगर 5 साल के लिए दंड मिला है तो 4 साल मिलेगा, वही चीज है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला हम लोग, अब देखिए राष्ट्रपति जी का वीटो, वीटो शक्ति, वीटो पावर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, एक होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, क्या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, इसी को क्या बोलते हैं, जेबी निषेधाधिकार, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि कोई भी विधेयक आया और राष्ट्रपति जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कोई भी विधेयक आया और राष्ट्रपति जी को अच्छा नहीं लगा, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और राष्ट्रपति जी पास आया, प्रेसिडेंट मैम के पास आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रेसिडेंट मैम क्या करेंगी कि वो है सो कोई इसमें अपना निर्णय नहीं देंगे, कोई निर्णय नहीं देंगे, नहीं देंगे, मतलब कि इसको अपने पॉकेट में रख लेंगे, है ना, जो है कहने का मतलब है कि इसमें कोई निर्णय नहीं देना, बस विधेयक, विधेयक जो आया है उसको मेरे पास ये है कि उसको पास करना है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी तय नहीं है कि इसको पास ही करना है, अभी ही करना है,
तय है कि पास करना है, लेकिन अभी ही पास करना है ये तय नहीं है। तो उसको हम कुछ समय के लिए, कुछ साल तक भी हम उसको पॉकेट वेटो का यूज करके उसको अपने पास विधेयक को रख सकते हैं और साइन करके उसको इसको विधेयक को हम लोग पारित नहीं करवा सकते हैं, है ना। ये राष्ट्रपति की वीटो हो सकती है, जेबी वीटो। एक और है निलंबन वीटो। क्या है निलंबन वीटो? ठीक है, इसमें क्या है, विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज। मतलब कि जैसे कोई विधेयक है, राष्ट्रपति जी को गलत लगा, सही नहीं लगा, ठीक है, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, प्रेसिडेंट मैम पास या प्रेसिडेंट सर पास आया, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैडम प्रेसिडेंट जी को सही नहीं लगा, सही नहीं लगा, और उसमें अशुद्धियां गिनाए कि ये गलती है, क्या क्या ये गलती है, इसको सुधार करिए, ये सही नहीं है जनता के लिए, देश हित में ये नहीं लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, एक बार आप लोग इस पर पुनः विचार करिए। क्या पुनः विचार? पुनः विचार, ठीक है। तो ये जो है पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा देती हैं, वापस लौटा देती हैं, या वापस लौटा दिया जाता है, इसको बोलते हैं निलंबन वीटो। क्या है ये? निलंबन वीटो, वापस ऐसा लौटा दिया जाता है, इसको कहते हैं निलंबन वीटो। और लेकिन अगर दोबारा से सेम अगर आ गया तो राष्ट्रपति जी को उस पर फिर साइन करना पड़ेगा, दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा से आ गया तो उस पर राष्ट्रपति जी को साइन करना पड़ेगा। इसलिए करना होगा क्योंकि ये कोई बाध्यता नहीं है कि साइन करना है ना, लेकिन एक तरह से कहिए तो बाध्यता है भी, लेकिन कुल मिलाकर वो पॉकेट वीटो का अपना पावर दिखा सकती है। तो ये जो है, तो इसका रीजन क्या है कि राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा में लोग निर्वाचित रहते हैं, लोकसभा में भी होते हैं मनोनीत, है ना, कुछ होते हैं, कुछ इधर उधर से आए हुए रहते हैं, संगीत से कुछ, अपना फिल्मी क्षेत्र से आए रहते हैं कुछ, कई क्षेत्र से अपना मान सम्मान गुडविल बनाए हुए लोग लोकसभा में भी आते हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन? सांसद लोग। सांसद लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि एमपी लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो जनता के बारे में गलत कैसे सोच सकता है, जबकि जनता ही उसको चुन के भेजा है। तो इस पर ऐसो राष्ट्रपति जी को अगर दोबारा वापस लौटा देती हैं और दोबारा से सेम विधेयक फिर से वापस चला जाता है राष्ट्रपति जी पास, तो उनको फिर से साइन करना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है। लेकिन वो अपना पॉकेट वीटो का पावर दिखाकर उसको साइन के लिए नहीं, उसको साइन करने के लिए अपने पास रख सकती हैं। कब साइन करके देना है ये राष्ट्रपति जी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक है आत्यंतिक वीटो। क्या आत्यंतिक वीटो? आत्यंतिक, आत्यंतिक वीटो, इसमें क्या है, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। क्या? विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अपना वो बता देंगे कि देखिए मेरा ये राय है और ऐसे इस हिसाब से रहना चाहिए था, ठीक है, तो फिर मैं इसके बारे में विचार विमर्श करूंगी और अपना ये जो है अपना अपने राय को उसमें रखने का प्रयास करवाती हैं और उसको अपने पास रख लेती हैं, है ना। चलिए, एक है ये वीटो शक्ति अपने पास रख लेती हैं और बोलती हैं कि इसी तरह से होना चाहिए, अपना राय देती है, सजेशन देती है। अब देख लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग क्या देखेंगे, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, सेनापति, ठीक है। सारे चीज राष्ट्रपति जी के बारे में ही है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी, ठीक है, ठीक है। एक बताया था मैंने कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। देखिए पहले क्या था कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं था। मतलब कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था, है ना,
राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यों के लोग भाग लेते, राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, ठीक है, राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे राष्ट्रपति के वोटिंग में, ठीक है, यानी कि निर्वाचन में, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में, 1992 में, 1992 में 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, है ना। क्या कहने का तात्पर्य है कि पहले जो था केंद्र शासित प्रदेश से, फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो एमएलए होते थे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें कहा गया दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, किसके, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। देखिए, अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, रिक्त यानी खाली हो जाता है, तो कौन उस समय के लिए कार्यभार संभालेंगे, उपराष्ट्रपति, उस समय के लिए कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर ये भी नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के, वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि जो सीनियर होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। ये है राष्ट्रपति जी के पद रिक्त रहने पर। और पद रिक्त रहेगा तो कम से कम 6 महीना के अंदर, 6 महीना के भीतर चुनाव करवाना होगा, जिस दिन से रिक्त हुआ उसके 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य होगा, 6 महीना में चुनाव कराना अनिवार्य, ठीक है। देखिए, एक इसी में है कि अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश थे, तो राष्ट्रपति उस समय, राष्ट्रपति जी उस समय नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस समय राष्ट्रपति बन के कौन संभाले थे, तो ये थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। ये जो थे, ये है सो राष्ट्रपति का पदभार संभाले थे, ठीक है। कब से कब तक संभाले थे, तो 20 जुलाई से, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, ठीक है। ये अपना कार्यभार, राष्ट्रपति का कार्यभार ये संभाले थे, ठीक है। अब एक और है, राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री से, ठीक है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मतलब कि आप कौन सा देश के प्रति डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, सारा सूचना ब्यौरा, कौन सा कार्य कर रहे हैं, ए टू जेड चीज, सारी चीजों का ब्यौरा है जो आपको देना होगा, मतलब कि पीएम सर को डिटेलिंग में देना होगा, बताना होगा, सूचना बताना होगा किसको, राष्ट्रपति जी को, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को, जो भी प्रेसिडेंट होंगे या होंगी, ठीक है। तो पीएम को सूचना बताना होगा, ये किसमें बोला गया है, ये आर्टिकल किसमें बोला गया है, ये अनुच्छेद 78 में बोला गया है, कि सारे जो भी प्रधानमंत्री कार्य करेंगे देश के स्तर पर,
और प्रधानमंत्री रहते हुए जो भी जो कार्य करेंगे उसकी सारी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होगा, ये अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, एक फैक्ट, नीलम संजीव रेड्डी, कौन? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये कौन थे? निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध हुए थे निर्वाचित, निर्विरोध, निर्विरोध निर्वाचित हुए, मतलब कि इनके सामने कोई विपक्ष था ही नहीं दूसरा राष्ट्रपति के लिए उठने के लिए, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग क्या है पूछता है, ये पूछेगा आपका पीसीएस में, महाभियोग कैसा है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्या है महाभियोग, क्या है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अब चलिए कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में, जो भी प्रश्न होगा वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, जो छोटा बड़ा जो भी होगा यहाँ पे, है ना। चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 50-50 संख्या प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ठीक है, और 50-100 अनुमोदक होना चाहिए, तभी चुनाव होगा, ठीक है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल, राज्यपाल है सो, जब तक राष्ट्रपति हटाए नहीं वो रह सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश सो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है सबका, ये रेलवे में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, और पीसीएस में भी पूछता है, पीएससी में भी पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि डायरेक्ट जनता तो वोट नहीं करती है, हमारे द्वारा चुने गए एमपी एमएल लोग जाके चुनते हैं राष्ट्रपति जी को, ठीक है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? तो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं। पहले कोई भी जैसे कि विधेयक है, जैसे कि किसी भी तरह का विधेयक है, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा, पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, फिर उसमें प्रेसिडेंट साइन किए, ठीक है, साइन करेंगे, उसके बाद है सो क्या बन जाएगा, ये अधिनियम बन जाएगा, क्या अधिनियम, अधिनियम बन जाएगा ये चीज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लोग राज्यसभा में प्रस्तुत हो, कोई भी चीज लोकसभा में भी, पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत हो, सिर्फ एक धन विधेयक ही ऐसा है, धन विधेयक ही ऐसा है जो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होगा, वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, कौन, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में, अगर राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह की त्रुटि आ रही है या किसी भी तरह का उसमें विरोध उत्पन्न हो गया है तो वो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय में जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है, और लेकिन राष्ट्रपति की उम्र सीमा तय नहीं है कि आप 60 साल के बाद या 80 साल के बाद या 100 साल के बाद नहीं लड़ सकते, आपका एज कितना भी हो आप लड़ सकते हैं, इसका कोई व्याख्या नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन कम से कम 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जी का मृत्यु है सो उनका 5 साल होने से पहले ही वो उनका डेथ हो गया था। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो सबसे पहले वित्त बिल के लिए, वित्त बिल यानी हो गया फाइनेंशियल, तो जितना भी आएगा फाइनेंशियल तो वो क्या हो जाएगा, एक धन विधेयक के अंतर्गत ही आ जाएगा वो, तो उससे पहले है सो स्वीकृति किससे लेना होगा, पहले राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेना होगा, पूछना पड़ेगा, फिर लोकसभा में पहले राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेना होगा प्रेसिडेंट मैम से, फिर है सो या प्रेसिडेंट सर से, फिर लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा से ऑटोमेटिक पास हो जाएगा अगर नहीं करेगा तो, और फिर जाके राष्ट्रपति जी फिर से साइन कर देंगे और फिर वो हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा द्वारा हुआ था। ठीक है, संविधान सभा उन्हें चुनी थी, ये संविधान सभा में इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, कब, 9 दिसंबर को, 2 दिन पहले, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में राष्ट्रपति है सो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, कार्यपालिका से जितना भी जुड़ा हुआ कार्य रहेगा राष्ट्रपति के नाम होगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, यह है विधायी अधिकार, अध्यादेश जो जारी करेगा वो किस अधिकार के तहत, विधायी अधिकार के तहत जारी करेगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी, तो 12वीं राष्ट्रपति बनी और एकमात्र पहली पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति, और अभी द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है, द्रौपदी मुर्मू ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, किंतु पहली जनजाति महिला है, कौन, पहली जनजाति महिला है, पहली जनजाति महिला जो राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है श्रीमती। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो किससे सलाह ले सकती है, तो उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकती है, किससे, आर्टिकल 123 इस सलाह लेगी, लेकिन कौन सलाह देगा, तो मंत्रिपरिषद देगा। ठीक है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा था, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा गया, क्योंकि सबसे शुरू में ही वह स्वीकृति देती है, फिर लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी साइन कर देती है और पुनर्विचार के लिए उसको नहीं लौटा पाएंगे, या नहीं लौटा पाएंगे राष्ट्रपति हमारे। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है, तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, क्योंकि ब्रिटेन में ही ऐसा ही प्रेसिडेंट, वहां भी प्रेसिडेंट के तुलना में इसका वर्णन है, मतलब कि राष्ट्रपति जैसा ही कार्य वहां ब्रिटेन के सम्राट का है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति जी को है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों, कैसा लगा आपको जरूर बताएं, ये समझाने में लगा थोड़ा टाइम, लेकिन बिल्कुल सही है, अच्छा है, आप लोग को मजा आया होगा पढ़ के, उम्मीद ऐसा करता हूँ। चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और जाते हुए आप लोग जरूर कर दे लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और अपने दोस्तों साथ क्या कर दे, शेयर, अपने दोस्तों साथ कर दे शेयर। ठीक है, और लिखते जाए, जय हिंद जय भारत। और हमारे झारखंडी साथियों को जोहार झारखंड।